आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले दो नोट सीरीज के फोन को एंड एक एम सीरीज के फोन को, नहीं नोट सीरीज अपनी सैमसंग वाली नोट सीरीज नहीं, बट एम सीरीज अपने सैमसंग वाली एंड नोट सीरीज अपनी इन्फिनिक्स एंड रेडमी वाली। तो यानी कि इन्फिनिक्स, रेडमी एंड सैमसंग, इन तीन कंपनीज के तीन बहुत ही बढ़िया फोन को कंपेयर करने वाले हैं एंड बताने वाले हूं कि भाई आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन तीनों में से। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले रेडमी नोट 9 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M21 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 7। तो इन्फिनिक्स ने नोट 7 से भाई काफी अच्छा कमबैक करा है, बट स्टिल मैं बोलना चाहता हूँ कि इस फोन का प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता था तो काफी अच्छा रहता। बाकी बात करते हैं अब कंपैरिजन की एंड आपको डिटेल में बताते हैं कि भाई किसके अंदर क्या चीज कैसी क्यों क्या है वो बताते हैं। तो चलते हैं, होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अब करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो ज्यादा टाइम की खपत ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको काफी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब काफी बड़ी से सच में काफी बड़ी डिस्प्ले ऑलमोस्ट टैबलेट की। तो इधर आपको 6.95 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा, जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की मिलेगी। बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिल जाएंगे एंड इन तीनों फोन में से भाई मेरे को सबसे तगड़ा जो डिजाइन लगता है ना वो इन्फिनिक्स के फोन का लगा मेरे को काफी सही में, मतलब बहुत तगड़ा डिजाइन लगा है मेरे को इन्फिनिक्स का। तो वही बात कर लेते अपने नॉन चाइनीज फोन की यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M21 की। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी यू नोच टाइप मिल जाएगी। बैक जो आपको मिलेगी प्लास्टिक की मिलेगी। बैक साइड के अंदर आपको तीन कैमरे मिल जाएंगे एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। तो वही चल लेते अपने रेडमी नोट 9 की तरफ, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा। इधर आपको पंच होल नोच मिल जाएगी। बैक जो आपको मिलेगी प्लास्टिक की मिलेगी एंड बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिल जाएंगे। तो वही बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के कैमरास की। तो जैसा आपको पता है आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे दे रखे हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड वीडियो के लिए सेंसर दिया हुआ है, जो आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो आपकी हेल्प करेगा। वहीं बात कर लीजिए सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वहीं चल लेते अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 के कैमरास डिपार्टमेंट में। इधर आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिल जाए, ऐसे नंबर्स में मत जाना, कैमरे का आउटपुट काफी तगड़ा है क्योंकि हमने सैमसंग गैलेक्सी M21 का रिव्यू करा हुआ, अनबॉक्सिंग करी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो उस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा आपको बता रहा था, आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कर लीजिए सेल्फी की, तो आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है एंड काफी सही आपको कैमरे मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर, अपने प्राइस के हिसाब से काफी सही कैमरे मिल जाते हैं। तो वही चल लेते अपने रेडमी नोट 9 की तरफ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कर लीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। ज्यादातर इन्फिनिक्स ने ऐसे कंजूसी करी है प्रोसेसर में, बट इस बारी इन्फिनिक्स ने ऐसी कोई कंजूसी वगैरह नहीं करी एंड काफी सही प्रोसेसर आपको दे दिया है। इधर आपको मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। तो इधर आपको सैमसंग का सबसे प्यारा राज दुलारा प्रोसेसर मिल जाता है, एक्सिनोस 9611 का आपको प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 10 nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 72 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही बात करते हैं अपने रेडमी नोट 9 की। तो इधर आपको काफी सही प्रोसेसर मिल जाता है। इधर आपको मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12 nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाता है। तो ये बात कर लेते हैं बैटरी की, क्योंकि भाई कितनी देर तक गेम खेलनी है ये तो बैटरी पे डिपेंड करता है। एंड वैसे पता चला पेटीएम बैन हो गया, मतलब बैन नहीं, प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है कुछ, वो है मतलब गैम्बलिंग वगैरह का चक्कर, तो वो भाई ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, टेंशन मत लगाना। अगर आपके पैसे वैसे पड़े ना ऐसे पेटीएम में तो ये नहीं कि खर्च कर दो आ जाएंगे वापस, कोई टेंशन नहीं है उस चीज की। क्या बात है। तो बात कर लेते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ। तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाएगा एंड इधर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है 18 वोल्ट की मिलती है एंड बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर मिल जाता है। तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। तो इधर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड इधर आपको 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो वही बात करते हैं अपने रेडमी नोट 9 की। तो इधर आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाएगी, ये फोन आपकी 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 22.5 वोल्ट का चार्जर मिलता है।
सभी कम देते हैं बट रेडमी का दिल काफी बड़ा, तो उन्होंने ज्यादा चार्जिंग मतलब चार्जर ज्यादा दे दिया, तो यही बात है। तो इधर आपको टाइप सी का बोर्ड मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, ईएमसी का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको 4X नहीं LPDDR4 रैम टाइप मिल जाते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, इन्फिनिक्स का खुद का यूआई मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट इन्फिनिक्स वाले ने बताया नहीं कि भाई ऐसी कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आई डोंट नो कि कौन सी दे रहे हैं। मतलब 3 तक होगी मैक्सिमम, 5 वगैरह की देते तो ऐसे चीख चीख के बता दे कि भाई हमने 5 दी ऐसे, तो 5 की तो नहीं दी, 3 दी होगी इधर। हमें बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, AIS मिल जाता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, 420 nits की यहाँ पर आपको मैक्स ब्राइटनेस मिल जाती है। तो भी चल लेते हैं अपने रेडमी नोट 9 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। इधर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाता है, ईयर ब्लास्टर मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 11 मिल जाता है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, LPDDR4X आपको RAM टाइप मिल जाती है। वैसे अगर आप लोग की वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे Instagram पर भी फॉलो कर लो। तो अभी बात कर लेते हैं पैसों वैसों की कि भाई कितनी रैम रोम मिलने वाली है आपको कितने के अंदर। शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ। तो इधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 11,500 के प्राइस पर। वहीं चलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ। तो इधर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 14,000 के प्राइस पर। वहीं चलते अपने Redmi नोट 9 की तरफ। तो इधर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 12,000 के प्राइस पर। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि भाई आपको तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मैं तीनों में से आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तो आपको Redmi नोट 9 मिल जाता है। अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए, अगर आपको अच्छी डिस्प्ले वगैरह चाहिए, बैटरी वगैरह भी आपको अच्छी चाहिए, कैमरा वगैरह भी आपको अच्छे चाहिए, एंड मतलब आपको ऐसे फर्क नहीं नॉन चाइनीज चाइनीज होने से, तो आप लोग बिल्कुल Redmi नोट 9 की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को ना ऐसे इन्फिनिक्स का UI ज्यादा पसंद आता हो, कोई ज्यादा बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, वैसे मैं आपको एक कमी बताता हूं इन्फिनिक्स के फोन के साथ कि यहां जितनी बड़ी आपको डिस्प्ले मिलती है ना उस हिसाब से आपके पिक्सल फट जाएंगे, क्योंकि इधर आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD+ की नहीं मिलती, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आपको मतलब इन्फिनिक्स की तरफ से कोई फोन चाहिए बड़ी डिस्प्ले वाला बड़ी बैटरी वाला, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। से कैमरा इतने कुछ तगड़े नहीं बोलूंगा मैं, इन्फिनिक्स के फोन के प्राइस के हिसाब से थोड़े से एवरेज से नीचे पड़ जाते हैं, ये कह रहा हूँ प्राइस, मतलब और जो इसके मतलब कॉम्पिटिटर है उससे थोड़े से नीचे पड़ जाते हैं इसके कैमरे। नंबर्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है, बट जब मैं वीडियो वगैरह देख रहा था इन्फिनिक्स के कैमरे के लिए, मतलब कि ऐसे कैमरे, तो मेरे को पता चला कि भाई इतने कुछ तगड़े कैमरे नहीं है, जो मतलब अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें एवरेज से जो कॉम्पिटिशन से थोड़े से नीचे आपको मिल जाते हैं कैमरे, तो इतने तगड़े कैमरे नहीं बोलूँगा मैं इसके। वहीं अगर आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन चाहिए, क्योंकि भाई स्टीरियो स्पीकर काफ़ी सही चीज़ होती है, तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। वहीं बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 क्यों लेना चाहिए हम लोगों को। तो भाई डिस्प्ले एक नंबर की बढ़िया डिस्प्ले, मतलब सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है, तो बहुत सही चीज़ है। फुल HD+ की, मतलब एक नॉन चाइनीज ब्रांड मिल जाती है, सैमसंग जैसी ब्रांड मिल जाती है। UI वगैरह अगर आपको पसंद है वन UI तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बड़ी बैटरी मिल जाती है, गेमिंग के लिए मैं इतना नहीं बोलूँगा, बट बाकी ना हर कोई बंदा गेमर भी नहीं होता, ये बात भी है। किसी बंदे को मतलब ऐसे डेली डे टू डे टास्क सर्वे सर्व वगैरह ऐसी नॉर्मल गेम वगैरह खेलनी होती है तो उसके लिए तो भाई काम चल जाएगा, बट पबजी आती है जवान पे, जबकि वो जा चुकी है, हमें भूलना पड़ेगा उसे कि वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से, पर फिर पबजी की फिर भी याद आती रहती है। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऐसे अगर आप COD वगैरह खेलना चाहते हो, मतलब ऐसे थोड़ी हैवी गेम वगैरह खेलना चाहते हो, गेमर हो आप, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ मत जाना। बाकी मैं सैमसंग गैलेक्सी M21 को ना उन फोन में से बोलूंगा जो सैमसंग की तरफ से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन मिलते हैं, उनमें से एक M21 आता है, मतलब काफ़ी सही फ़ोन आपको मिल जाता है। बाकी कैमरे वगैरह भी आपको बहुत सही मिल जाते हैं प्राइस के हिसाब से, तो बाकी रिव्यू करें आप उसको देख सकते हो, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कैमरा डिस्प्ले बैटरी वगैरह परफॉर्मेंस के लिए मैं इतना नहीं बोलूंगा, बाकी ऑडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर आप 3.5 के जैक के अंदर गाने वाने भी सुनते हो तब भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सही है। नॉन चाइनीज फोन मिल जाते हैं, कितनी अच्छी ब्रांड मिल जाती है सैमसंग जैसी, तो ये सारे अपने सैमसंग के फीचर हो जाते हैं, ये सारे अपने Redmi Note 9 के फीचर हो जाते हैं, एंड ये सारे अपने Infinix Note 7 के हो जाते हैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको तीनों में से सबसे तगड़ा फ़ोन कौन सा लगा है, आप लोग कौन सा फ़ोन लेने वाले इस वीडियो को देखने के बाद, या आप लोगों ने कौन सा फ़ोन लिया, ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, है सो कि तो मुझे Instagram पर भी फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।